तो आज हम जिस मूवी को करने वाले हैं एक्सप्लेन, मुझको ऐसा लगता है कि अभी तक इस महीने की सबसे बेस्ट मूवी यही वाली होगी, क्योंकि ये मूवी दरअसल एक बॉक्स है जिसके अंदर आपको सब मिल जाएगा, कॉमेडी, रोमांस, संस्कारी सीन, भर भर के डरावनी चीजें, और इस मूवी की स्टोरी भी काफी ज्यादा बेहतरीन है, मतलब आपको आखिर तक बना के रखेगी। बस इस मूवी को वही लोग देखे जिनकी सोच का दायरा थोड़ा बड़ा है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा ये आपको मालूम चलेगा मूवी के आगे। तो मूवी स्टार्ट होती है एक अंधेरी रात में, एक मरघटे के पास एक दादी अम्मा एक कॉफिन से एक लाश के थोड़े बाल लेती है और एक लिफाफे के अंदर डाल लेती है, और हमको समझ में नहीं आता कि ये दादी अम्मा इन बालों का क्या करेंगी। खैर ये हमको मालूम चलेगा मूवी के आगे। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमको एक जिम दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़का बहा रहा होता है पसीना, और इसके बगल वाले को वो लगता है हसीना, क्योंकि ये बगल वाला लड़का होता है और हम लोग इस मूवी के अंदर बुलाएंगे तीसरे जेंडर वाला, क्योंकि जी से स्टार्ट होने वाले शब्द से यूट्यूब को है काफी प्रॉब्लम। तो ये लड़का होता है तीसरे जेंडर वाला, और आज वो इस पसीने बहाने वाले लड़के के साथ रात बिताना चाह रहा, पर ये पसीने बहाने वाला था दरअसल एक पुलिस वाला, और ये इस तीसरे जेंडर के आदमी के पीछे इसलिए घूम रहा था क्योंकि ये तीसरे जेंडर का आदमी पाउडर सप्लाई करता है, पाउंस का नहीं, दूसरा वाला, जिससे आपके जिंदगी भर के लिए एन लग सकते। तो इस पुलिस वाले का नाम होता है मिंग, और उसके साथ में ये वजनधारी आदमी होता है उसका कलीग। मिंग अपने ऑफिस की एक लड़की जिसका नाम होता है लिन, उस पर अपनी दिलो जान छावर करता है क्योंकि मिंग लिन को पसंद करता है, और लिन होती है एकदम कोल्ड टाइप की लड़की, कॉमेडी वगैरह करती, फनी फनी बातें करती, एकदम बच्चों की तरह। तभी यहाँ पर एक कलीग बताता है कि वो सफेद पाउडर बेचने वाले बॉस का एक चमचा हमारे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, और अब मिंग और लिन उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, जो कि होता है इस नीली कार में, और इस आदमी को हम बुलाएंगे झबरू, क्योंकि इन लोगों के नाम काफी अलग तरीके के होते। और अब मिंग काफी प्लानिंग के साथ इस झबरू को पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसकी कार दो कारों के बीच में फंस जाती है और बेचारे का पोपट हो जाता, और झबरू उसके सामने से ही निकल जाता, पर तभी झबरू की नजर सामने से हटी और झबरू के साथ यहाँ पर दुर्घटना घटी। और जब ऑफिसर लेन उसका पीछा करती है तब झबरू पता नहीं क्यों यहाँ पर बार बार हंस रहा होता है, जैसे कि उसको मानो डर ही ना हो, और जब ऑफिसर लेन उसको पकड़ लेती है झबरू तब भी यहाँ पर खूब हंसता, पर इसके पीछे काफी बड़ा सीक्रेट है जो कि आपको आगे मालूम चलेगा कि झबरू यहाँ पर क्यों हंस रहा था। तो देखो जब झबरू गाड़ी चला रहा था तब वो अपने गाड़ी की चीजें फेंकते हुए जा रहा था, तो वो फेंकी हुई चीजें यहाँ पर मिंग इकट्ठा करता है कि तभी यहाँ पर मिंग को एक लिफाफा मिलता है जिसके अंदर से बाल निकलते, और तभी यहाँ पर अचानक से सारी बूढ़ी आंटियां उसके सामने प्रकट हो जाती और फालतू का शोर मचाती और कहती है बधाई हो, हमको वो लड़का मिल गया जिसकी हम तलाश में थे, और इस बूढ़ी अम्मा को आपने पहचाने लिया होगा, ये बूढ़ी अम्मा जिनका नाम है माओ माओ, तो माओ माओ थी जिनको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था जो कि कॉफिन में से बाल निकाल रही थी, और ये लिफाफे के अंदर बाल वही बाल थे। पर मिंग को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, तब ये बूढ़ी अम्मा कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि तुम इस लिफाफे के अंदर जिसकी फोटो है उससे शादी करो, जो कि इस दुनिया से ऊपर पहुंच चुका है। और मिंग को इन सभी की बातें बचकाने लगती है कि वो एक मरे हुए इंसान से शादी क्यों करेगा, वो भी एक लड़के से, और ये बूढ़ी अम्माएं कहती हैं कि देखना तू पछताएगा और वापस हम लोगों के पास दोबारा से आएगा। अब मिंग को ऐसा लग रहा था कि ये बूढ़ी अम्माएं चटक गई हैं बुढ़ापे में, तो वो इन सभी की बातों को इतना सीरियस नहीं लेता, पर इन बूढ़ी अम्माओं की बातें यहाँ पर सच हो जाती हैं। मिंग जहाँ पर भी जाता उसके साथ दुर्घटना पे दुर्घटना घटती, कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता, उसका लोगों के सामने पोपट बन जाता, और अब मिंग को समझ में आ जाता कि ये हो ना हो उन्हीं बूढ़ी अम्माओं की वजह से हो रहा, और अब बेचारे मिंग को मजबूरन उन्हीं बूढ़ी अम्माओं के पास वापस जाना पड़ता है, और अब वो तैयार है माओ माओ के मरे हुए पोते से शादी करने के लिए। दरअसल माओ माओ का पोता एक तीसरे जेंडर वाला था और वो चाहता था कि उसकी भी शादी हो, तो जिस लड़के से मिंग ने ना चाहते हुए भी शादी करी है उस लड़के का नाम है माओ, और हम माओ को बुलाएंगे महेश। तो अब महेश की दादी मिंग को यहाँ पर महेश की बचपन की फोटो दिखाती है और कहती है कि मेरा पोता काफी अच्छा लड़का था, वो एक लड़के से शादी करना चाहता था जो कि तीसरे जेंडर का हो, पर उससे पहले ही वो भगवान को प्यारा हो गया, और तुमने मेरे पोते से शादी करके किया है मुझ पे काफी बड़ा एहसान, और मैं यही चाहूंगी कि तुम अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं हो परेशान।
कि तभी यहाँ पर महेश के पिताजी आते हैं और अपनी माताजी पर गुस्सा होते हैं कि ये क्या सीढ़ीपंती लगा रखी है, महेश की शादी इस लड़के से क्यों करा दी, वो मर चुका है। पर ये बूढ़ी अम्मा कहती है, अबे सुन, तू अपने काम से काम रख, और वो महेश के पिताजी को यहाँ से भगा देती है। और अब यहाँ की पंचायत समाप्त होने के बाद हमारा मिंग चुपचाप से अपने घर जाता है और नहाता है, और तभी उसको आसपास होने वाली आवाजों से ये समझ में आता है कि कोई ना कोई इधर पर है। और इससे पहले मिंग देख पाता उस आदमी का फेस, वहां पर आ जाता है साक्षात मरा हुआ महेश, और मिंग की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती। और मिंग को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि आखिर एक मरा हुआ बंदा यहाँ पर कैसे आ गया और वो उसको कैसे दिखाई दे रहा। तो दरअसल ये होती है महेश की आत्मा, जो कहती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं कर दूंगी तुम्हारा खात्मा, तो इससे अच्छा है तुम मेरी बात सुनो, समझो, जानो और परखो कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। पर मिंग काफी डर चुका था और उसको महेश की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती, और महेश की आत्मा गुस्से में मिंग के अंदर घुस जाती। और अब बेचारा मिंग ना चाहते हुए भी रोड पर जाकर निर्वस्त अवस्था में यहाँ पर सभी के सामने पोल डांस करता है। और जब महेश की आत्मा मिंग के अंदर से चली जाती है तो मिंग बेचारे को यहाँ पर सबके सामने निर्वस्त अवस्था में होकर काफी शर्म आती है। और अब मिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था महेश की बात सुनने के अलावा। अब महेश मिंग से अपनी मनमानी करवाता है, महेश कहीं मिंग से पैसे डोनेट करवाता, कभी वो उससे एक पालतू कुत्ता रखने के लिए कहता, और मिंग ना चाहते हुए भी महेश का एक तरीके से गुलाम बन चुका था और वो महेश से काफी परेशान हो चुका था। और अब एक दिन मिंग और महेश माँ बाओं के पास जाते हैं ब्रेकफास्ट करने, पर महेश को सिर्फ मिंग देख सकता था, उसके अलावा महेश को कोई नहीं देख सकता था। पर बेचारा महेश अपनी दादी माँ और अपनी जिंदगी को काफी मिस कर रहा था। महेश चाहता था कि मिंग महेश का फोन लेकर ऐसी फोटो डिलीट कर दे जो कि अगर कोई देखेगा तो वो चौंक जाएगा, क्योंकि महेश के फोन में ऐसी ऐसी चीजें डली थी जो आप सोच भी नहीं सकते। तभी यहाँ पर आ जाते हैं महेश के पिताजी, और इनको मालूम चलता है कि महेश का फोन महेश के पिताजी के पास है, और महेश के पिताजी आज ही फोन का पास कोड खुलवा के लाए। पर इससे पहले महेश के पिताजी ये फोन खोलें, मिंग यहाँ पर ये फोन ले लेता है और कहता है कि मैं महेश का फोन खोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसका पति हूँ। और जब मिंग देखता है महेश का फोन, तब उसको दिखता है महेश के साथ एक और लड़का, और वो पूछता है महेश से कि यह कौन। तो महेश कहता है कि यह है मेरा प्यार, जिसके साथ मैं बसाना चाहता था अपना घर बार, और मैं चाहता था हमेशा के लिए रहना अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। पर एक दिन ऐसी दुर्घटना घटी मेरे साथ रात में कि एक गाड़ी ने काफी रफ्तार में मुझको उड़ा दिया और इस दुनिया से मेरा नाता हमेशा के लिए छुड़ा दिया। और यहाँ पर महेश के फोन में तीसरे जेंडर वालों की कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिनमें वो निर्वस्त अवस्था में संस्कारी हो रहे होते हैं। अब महेश के पिताजी को मालूम था कि मिंग एक पुलिस वाला है, तो वो मिंग से कहते हैं कि मेरे बेटे महेश को एक गाड़ी ने उड़ा दिया था, तुम भी एक पुलिस वाले हो, तुम्हारे डिपार्टमेंट में ही गया था, पर तुम्हारा डिपार्टमेंट एक नंबर का निकम्मा है। अगर तुम सच में मेरे बेटे के लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स रखते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे का केस सॉल्व करो और उस आदमी को पकड़ो जिसने मेरे बेटे को ऊपर पहुँचाया। अब अगले दिन महेश मिंग के साथ उसके बॉयफ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम था चैन, और ये दोनों जैसे ही उसके दरवाजे पर जाते हैं ये दोनों क्या देखते हैं कि चैन का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। पर महेश इस बात से बुरा नहीं मानता, वो कहता है ये तो अच्छी बात है कि चैन मुझको जल्दी भूल गया और अपनी लाइफ में बिजी हो गया। और जैसे ही चैन यहाँ से निकलता है वो क्या देखता है कि बाहर महेश के पिताजी हैं जो कि मिंग को कुछ सबूत देते हैं, और साथ ही में महेश का फोन। वो चाहते हैं कि मिंग महेश के कातिल को पकड़े। मिंग पूछता है महेश से कि जब तुम्हारे साथ वो दुर्घटना घटी थी, तब महेश कहता है उस समय मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी बना रहा था क्योंकि मैं काफी दुखी था उस समय पर। तो मिंग महेश के इंस्टाग्राम पर जाकर ड्राफ्ट में वीडियो चेक करता है जहाँ पर मिंग को महेश की एक्सीडेंट की वीडियो दिखती है जो कि उसकी स्टोरी में रिकॉर्ड हो गई थी। एक आदमी यहाँ से उतरता है पर उनको नहीं मालूम होता कि ये आदमी कौन है, तो ये लोग उसी लोकेशन में जाते हैं जहाँ पर महेश के साथ ये दुर्घटना घटी थी। अब तभी महेश नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ कारें हैं जिनके फ्रंट में कैमरा लगा, तो हो ना हो उन कैमरों में यह दुर्घटना रिकॉर्ड हुई होगी। पर बदकिस्मती से वो कैमरा अपोजिट साइड में लगा था जिससे मिंग को वो वीडियो दिखती है जो कि एक्सीडेंट के दूसरी तरफ हो रहा है। और इस अपोजिट की वीडियो में मिंग देखता है कि यहाँ पर दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर महेश का एक्सीडेंट होता है
और ये लोग महेश को देखने के लिए जाते हैं और इन दोनों आदमी में से एक आदमी था वही छबरू जिसको मिंग पहले पकड़ रहा था। पर जैसे ही मिंग उसको ढूंढते हुए जाता है उसको मालूम चलता है कि छबरा पहले ही भगवान के पास पहुंच चुका, किसी ने उसको निपटा दिया था। और अब महेश उस दूसरे आदमी को देखता है जो कि उस वीडियो में छबरू के साथ था और इन दोनों को वो आदमी की कार और वो आदमी मिल जाते हैं। पर तभी यहाँ पर आ जाती है लिन जो कि फिर से यहाँ पर बचकाने सी हरकतें करती। अब ये लिन बचकाने सी हरकतें करती पर पता है ये एक पुलिस ऑफिसर है, वो भी एक काफी अच्छी पोस्ट में, पर इसकी हरकतें काफी बचकानी है। अब वो जो आदमी था जिसको मिंग ढूंढ रहा वो आदमी दरअसल एक काफी बड़े टॉन के लिए काम करता था, इसलिए वो लिन को ये बताता है कि वो यहाँ पर उस टॉन को पकड़ने के लिए आया। और लिन ये सारी बात अपने सीनियर को बताती है और अब पुलिस की पूरी टीम उसी आदमी को पकड़ने जाती है जो कि डॉन था और इस सिटी में पाउडर सप्लाई किया करता था। पर जैसे ही ये लोग उस गैराज के अंदर घुसते हैं ये लोग क्या देखते हैं कि वो डॉन यहाँ पर डांस वगैरह कर रहा और पुलिस को यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता और सीनियर यहाँ पर मिंग पर गुस्सा होता है। पर तभी मिंग को यहाँ पर वही कार मिलती है जो कि महेश के एक्सीडेंट के समय पर उसी के सामने थी और ये लोग इस कार का कैमरा ले लेते हैं जहाँ पर इनको क्या मालूम चलता है कि महेश को भगवान के पास पहुँचाने वाला यही डॉन था जो कि पाउडर सप्लाई करता है। और मिंग यहाँ पर काफी खुश हो जाता है कि अब तो इस डॉन की लंका मैं लगा ही दूंगा और वो सबसे पहले ये वीडियो दिखाता है लिन को और ये लोग पूरी पुलिस की टीम लेकर फिर से जाते हैं उस डॉन को पकड़ने के लिए। और जैसे इन पुलिस वालों की सारी टीम उस डॉन के घर पे पहुंचती है वो डॉन यहाँ से हो चुका है गायब। और यहाँ पर मिंग को समझ में नहीं आता कि आखिर इस डॉन को ये कैसे मालूम चल जाता कि हम लोग उसको पकड़ने आ रहे हैं। और ये सीनियर ऑफिसर यहाँ पर मिंग को सस्पेंड कर देता है और मिंग को अब काफी गुस्सा आता है किस महेश के चक्कर में मेरी जिंदगी के एन लग रहे। और मिंग यहाँ पर महेश को थोड़े टाइम के लिए अकेला रहने के लिए कहता है और महेश यहाँ से कुछ दिनों के लिए ऊपर चला जाता है। और हमारा मिंग अब हो चुका था अकेला, उसको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था, तो बढ़िया सी HD क्वालिटी में उसकी फेवरेट संस्कारी मूवी लगाता है कि तभी यहाँ पर कबाब में हट्टी महेश फिर से आ जाता है और कहता है कि मुझको एक बात मालूम चली, दरअसल तुम्हारा जो सीनियर ऑफिसर है वो एक मिशन में जा रहा उस टॉन को पकड़ने के। और अब मिंग अपनी सारी संस्कारी भावनाओं को सुलाकर गाड़ी उठाकर जाता है महेश के साथ उसी जगह पर जहाँ पर वो सीनियर ऑफिसर आज उस टॉन को पकड़ने के लिए जा रहा। अब यहाँ पर काफी फायरिंग वायरिंग होती है और ये सीनियर ऑफिसर उस टॉन का पीछा करता है और तभी यहाँ पर आ जाता है टॉन। पर टॉन के सामने थे दो लोग, मिंग और ये सीनियर ऑफिसर, तो डॉन की तो लंका लगनी तय है। पर तभी यहाँ पर आता है मूवी का एक काफी बड़ा ट्विस्ट, मिंग और सीनियर ऑफिसर पर भी एक इंसान गोली तान देता और वह इंसान कोई और नहीं साक्षात थी लिन। लिन इस डॉन से मिली हुई थी, लिन ही थी जो कि पुलिस की सारी जानकारी डॉन को देती थी। और लिन यहाँ पर दोनों को बांध कर अंदर चली जाती है, वो क्या देखते है कि ये डॉन खूब सारा पैसा बैग में भर रहा, वो यहाँ से निकलने की फिराक में है। पर अब जैसे मिंग और इस सीनियर ऑफिसर को झटका लगा वैसा ही सेम झटका लगता है इस डॉन को, क्योंकि लिन इस डॉन को भी यहाँ पर बंदी बना लेती है और इन दोनों को महेश की आत्मा देख रही होती है। और अब डॉन को समझ में नहीं आता कि आखिर लड़की मेरे ही पीछे क्यों पड़ गई। और अब लिन स्टार्ट करती है सुनाना अपनी कहानी जहाँ पर वो बताती है, लिन कहते है कि तुझको याद नहीं होगा पर 8 मई 2000 में तूने एक औरत को उस पाउडर का इतना ओवरडोज दे दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी और वो औरत कोई और नहीं मेरी माता जी थी। मैंने तुझको ढूंढा, तेरे साथ काम किया, अपने आप को काफी काबिल बनाया और पुलिस की नौकरी ज्वाइन करी ताकि मैं तुझको छोटे मोटे केसेस में बचा सकूं, क्योंकि मेरा प्लान था तेरे सारे काम को ठप करना। अब यहाँ पर पुलिस आएगी, तेरे को पकड़ ले जाएगी, तेरी जितनी भी दुकानें हैं सब बंद हो जाएंगी क्योंकि मैं पुलिस को पहले से ही सारे सबूत दे दूंगी और तेरा सारा पैसा मैं ले जाऊंगी और तुझको मिलेगा सिर्फ बाबा जी का घंटा। और महेश ये सारी बात सुन रहा होता है और वो ये सारी बात जाकर मिंग को बताता है। और जब लिन यहाँ से जाने लगती है तब वो वापसी में मिंग से कहती है कि मैंने ये सब क्यों किया, मैं तुमको नहीं समझा सकती। तब मिंग कहता है मुझको मालूम है कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था, तुमने उसके लिए काम किया वगैरह वगैरह। और लिन सोचती है साला, और लिन सोचती है यार इसको ये सब कैसे मालूम। पर खैर लिन इन सब बातों को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। और अब यहाँ पर होती है सभी के बीच में फाइट, पुलिस वर्सेस डॉन की गैंग।
जहाँ पर मिंग का सपोर्ट करता है महेश, पर तभी ये डॉन यहाँ पर आकर मिंग को डिस्काउ कर देता है और तभी सीनियर ऑफिसर इस डॉन को ऊपर पहुंचा देता है हमेशा के लिए। पर यहाँ पर मिंग की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस थी और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर वो बच जाता है। और मिंग से मिलने यहाँ पर महेश के पिताजी आते हैं और अब महेश को पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। उसके बॉयफ्रेंड की सच्चाई उसको मालूम चल गई, उसका कातिल भी पकड़ा गया और अब यहाँ पर महेश की आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। खैर, आपको क्या लगता है कि तीसरे जेंडर वालों की शादी आपके हिसाब से सही है या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।